करने जा रहे हैं लास्ट ईयर की लड़िया। ग्लास का आइस बकेट है और धनतेरस पे मैंने लिया है। ये फ्लावर्स देखे, ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम ब्रियाना। आज हम करने वाले हैं दिवाली शॉपिंग। इस वीडियो में वो सारा सामान मैं दिखाने वाली हूँ जो मैं दिवाली शॉपिंग से लेकर आने वाली हूँ। सो चलते हैं आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो मैंने सोचा है मैं दिवाली शॉपिंग पूरी एक दिन में नहीं करूंगी, जो छोटी मोटी चीजें जैसे दिया लेना होगा, छोटा मोटा डेकोरेशन का सामान होगा ना, वो मैं थोड़ी नियर मार्केट में देखूंगी। नियर बाय मार्केट है, मैंने सोचा बहुत ही ज्यादा सस्ता और रीजनेबल प्राइस मिलता है वहाँ पे। तो चलते हैं, वरुण इसके पीछे पागल हो रखे हैं बास्केट के पीछे। तो आ चुकी हूँ मैं मार्केट से और मैं इसी प्लेस पे बैठ गई हूँ कि मैं ठीक तरह से चीजें दिखा पाऊँ। हम गए थे, काफी लेट गए थे और काफी लेट आए, तो मैंने रिंग लाइट ऑन कर ली कि थोड़ी सी लाइट तो आए। और मैं दिखाना भूल गई, ये शर्ट है और ये पैंट है, हाउ कूल। सो ये मैं जल्दी से क्विकली आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं पहले अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ जहाँ मैं पहले था। छोटी मोटी चीजें मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ। बहुत ही छोटी मार्केट थी, जैसे कि अगर आप साउथ दिल्ली से हो तो शायद आपको भोगल मार्केट पता होगी, वहाँ पे काफी मतलब काफी अच्छी चीजें मिल जाती है बहुत कम प्राइस में। तो ऐसी मार्केट नियर बाई मिली मुझे, ये बहुत ही क्यूट छोटे छोटे से मिनिएचर ऐसे करके प्लांट्स मिले और ये भी 60 रुपीज फॉर 2। ये कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो आप, तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सेकेंड आई गॉट दिस दिया जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा, काफी अच्छा डेकोरेट हो रखा है और ये 60 रुपीज का, ये 50 रुपीज का एक था और ये दो छोटे दिए जो कि 10 रुपीज ईच था। ये छोटे दिए तो हर जगह सस्ते मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से 20 रुपए के दर्जन थे। और ये मैंने कुछ लड़ियाँ ली हैं जो कि मैं इनसे ज़्यादा आई डोंट नो इफ आई एम हैप्पी विद दीज और नॉट। मैंने सोचा मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगी, इससे और भी बेटर ऑप्शन मैंने लाजपत में देखे थे पर वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। ये मुझे 4 मिले हैं 120 रुपए के, आई मीन वाओ। तो मुझे इसमें थोड़े रेड रेड है और जो छत है ना, अगर आप देखोगे तो छत के किनारियों पे, छत के किनारों पे थोड़ा रेड रेड सा, चेरिश रेड का मेरे फादर इन लॉ ने करवाया था कलर, तो उसके हिसाब से मुझे लगा ये चले जाएंगे, तो उसने मैंने ले लिया है। पर आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको यूज करूंगी नहीं करूंगी। वहां पे क्रॉकरी की शॉप थी, ओ माय गॉड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। वहां पे और भी ऑप्शन थे जो मुझे पसंद आया था पर उसमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट था तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे ये सबसे अच्छा ही पीस लगा, ये 60 रुपीज का एक मिला और काफी हैवी है। लड़िया ये भी 4 लड़ियां मुझे 120 रुपए की मिल गई और मैं इनसे काफी खुश हूँ। और ये थोड़ी प्लास्टिक वाले फ्लावर हैं, तो या वेरी हैप्पी। और सबसे एक्सपेंसिव जो था दिस, वरुण पीछे पड़ गए कि मुझे लेना, मैंने बहुत मना करा उनको, बहुत मना करा पर वो माने नहीं। यू नो गाइस फैंटेसी, और मुझे पीस बहुत प्यारा लगा। ऑनलाइन सर्च किया ना तो इस टाइप की ग्लासेस का प्राइस वहां पे 500, 600, 900 तक। ये बहुत ही प्यारा ग्लास का आइस बकेट है, काफी थिक है ये ग्लास सोया और ये है आप आइस क्यूब ऐसे पकड़ सकते हो, तो मुझे काफी अच्छा लगा 300 में। बहुत देर तक बार्गेनिंग करने के बाद हम 300 पे पहुंचे थे। तो आगे की शॉपिंग कभी और दिन। दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ माय स्टेयर्स जिसका हम आज मेकओवर करने वाले हैं, धनतेरस आने वाले, तो मैंने सोचा जल्दी से क्लीनिंग कर लूं। ये सारी सीढ़ियां ऐसे रखी हुई है, ईजिली से प्याज और मिल जाए तो मैंने यहाँ पे रख रखा हुआ। और ये सारी बॉटल्स हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे पर वो घर में हैं, तो इसको भी हम सॉर्ट आउट करने वाले, इसे क्या करने वाले। मैं छत में लेके जा रही हूँ। इस रूम पे हम थोड़ा क्लीन अप करने वाले हैं क्योंकि कल मैंने 2 दिन से ना कपड़े धो दिए थे, तो मैंने छत पे तो गई नहीं थी तो मैंने यहीं पे सारे सुखा दिए थे, तो अभी इन सबको भी बाइंड अप करना है। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम रियली सॉरी सफाई करते टाइम मेरी हालत ऐसी ही है। लेट मी नो आपके घर में कंबल निकल चुके हैं या नहीं, पर हमारे घर में तो निकल चुके हैं यार।
पता नहीं कब कब पड़ा था मिट्टी। हाँ इसको रख लो ना, मेरे काम आएगा जब हम जाते हैं। मिट्टी जब पड़ती है मैं तुम्हारे सर पे लगाती हूं। कोई नहीं, मुझे हेयर वॉश करना भी है। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं लास्ट ईयर की लड़ियां। ये स्टोरेज जो सामान हम कभी यूज नहीं करते, बड़ा बड़ा सड़ रहा छत पे। यार अच्छा बैकग्राउंड बनता है। छोटू सिपाही तुम्हारा टास्क है मेरे साथ में, जब भी सामान मैं फेंकूं उसको संभाल कर। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमें लड़ियां मिल चुकी है। चाय छटक के आई थी, मैं भूल गई। चाय हमारी कॉल कॉल कर पागल हो चुकी है। कह रही कुछ कुछ लोगों ने लड़ियां लगा ली अपने घरों में, अच्छा लग रहा है दूर से देखने में। मेरे नोज पे क्या लग गया, हमें लगा था हमें लड़ी मिल चुकी पर हमें लड़ी नहीं मिली है। सो अब हम न्यू लेने जा रहे हैं, यार ये छूट नहीं रहा। तो मिलते हैं आपको लड़ियों के साथ। ये बहुत ढूंढने के बाद नीचे वाले रूम में मिला है और ये मिल चुकी है हमारी लड़ी। अब देखना है इसका टेस्ट हो रहा है। ये जल चुकी है। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप रख के भूल गए और सालों बाद आपको आ रहा हो कि सेकंड ईयर में जलानी है? ओ गॉड, मेरे नाश के छूटा नहीं है। तो हमें मिली है, हमें नीचे ही मिल चुका है। दूसरी लड़ी भी जल रही है, थैंक गॉड। हॉर्न की आवाज़ यार। चलो काम वाम करने के बाद दोनों बैठे हैं, चाय लेके अपनी। How वेल लुकिंग वाइज तो वरुण वही अच्छी है, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, ये अच्छा लग रहा है। धनतेरस एवरीवन। तो ये कुछ दिनों बाद है, मैंने लास्ट टाइम जब मैंने ब्लैक कुर्ते में शूट किया था जो सामान लेकर आई थी मैं, उसके बाद मैं अब लेकर आई हूँ। बीच में मैंने ब्लिंकिट से ये कैंडल्स ऑर्डर करवाए थे जो कि मुझे 120 के 6 पड़े हैं, और ये एक वाइट वाले कैंडल्स करे थे मैंने ऑर्डर जो कि मुझे 100 रुपीज़ के आई थिंक, आई डोंट नो, 12 पड़े हैं मेरे ख्याल से। और मार्केट इतनी खूबसूरत सजी हुई है ना, बाय गॉड मैं ढंग से फुटेज ले नहीं पाई। तो यहाँ पे मैं वो आपको इंक्लूड कर रही हूँ जो जो कि मैंने धनतेरस में खरीदा है, जैसे कि हम चांदी का सिक्का खरीदते हैं या लोग किचन का सामान खरीदते हैं। तो किचन के सामान से मैंने वो चीज़ें खरीदी जो जिसकी मुझे नीड है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको ये दिस ब्यूटिफुल, ये वास है बहुत बड़ा। मुझे ऐसा कलर पसंद नहीं आया पर 200 में मुझे इससे बेस्ट डील कोई नहीं लगी तो मैंने ये ले लिया। और मैंने ये फ्लावर्स देखे, ये स्क्रीन पे तो काफी अच्छे लग रहे पर मुझे एक्चुअल में काफी ऑफ लग रहे, पर ये सस्ता था तो मैंने ले लिया। तो ये मैं इसको बेड की तरह लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह का लग रहा है। मुझे बस ये कलर प्यारा लगा था, फिर इसके अंदर ये सारे निकल गए और लेट हो रहा था तो हमने ज़रा टाइम नहीं लिया। और धनतेरस से मैंने लिया है दिस, एक टूटने वाला जो मेरा टूट गया था, और दूसरा ये कि हम छौंक लगाते हैं ना तो ऐसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता, तो इस पे ऐसे करके छौंक लगाई और सीधा युगल का पलट गया। तो ये होता है, मुझे वैसे डर लग रहा है यहाँ पे इसे हैंडल का, पर देखते हैं लेकर आगे। इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे, मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी, इतनी इतनी सांस भीड़ लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने दिवाली के लिए, मेरे दिवाली का आउटफिट कुछ भी नहीं था, मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे दिवाली का आउटफिट लेना है। मुझे बहुत देर के बाद मेरे माइंड में आया कि मुझे दिवाली का भी आउटफिट लेना है। और ये लक्ष्मी जी के पैर, आप बताओ आप लगा आप बनाते हो या आप खरीदते हो? और इतने सारे गेट होने के वजह से बहुत सारे मेरे वो खत्म हो जाए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक डार्क पिंक और लाइट पिंक वाला जो मैंने आपको फ्लावर दिखाया था ना, उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा हुआ बिल्कुल प्लेन लग रहे हैं, मुझे थोड़ा कलर ऐड चाहिए। 120 रुपीज के फोर पीसेस थे जो कि मुझे काफी किफायती लगे। और उसके बाद मैंने लिया है घर पे सजाने के लिए एक ये, मुझे कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रही, तो चटक कलर थे ना पूरे मार्केट में, पर मैंने ये ले लिया। मैं देखती हूँ कब तक मैं इस वीडियो को एडिट करके, मैं सोच रही हूँ कल में डाल दूँ। और ये बहुत प्रिटी लगा मुझे काफी एक्सपेंसिव लगा मुझे। उन्होंने मतलब ये 350 का दिया, पर ये 350 का दिया उन्होंने मुझे, पर मैंने ले लिया यार, लेट हो रहा था, कौन सा टाइम लगा था अपना। और सबसे ज्यादा मेरा दिवाली आउटफिट, मैं थोड़ी स्नीक पीक दे रही हूँ बस अपने दिवाली आउटफिट का, क्योंकि मुझे इंस्टा पे वो अपलोड करना है और मुझे उसकी फिटिंग भी करवानी है, तो इसलिए हल्का सा स्नीक। अगर मैं कल होपफुली एडिट कर लूँ, अगर मैं इसी में गेट को डेकोरेशन करने का फुटेज ऐड कर सकती हूँ तो देखती हूँ मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। सो या टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मैंने सेलिब्रेट किया था ना, उसके बाद में 3 दिन स्ट्रेट तक नींद इस तरह से रही थी कि मेरी नींद मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं कब जाग रही हूँ, मैं कब मैं सो रही हूँ। तो मैंने पूरे वीक मैंने कुछ भी अपने यूट्यूब में पोस्ट नहीं किया एज लॉन्ग फॉर्मेट। तो मैं देखती हूँ अगर मैं जल्दी से फिनिश कर पाती हूँ इसकी एडिटिंग तो मैं शायद कल सुबह तक डाल दूँ।
आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक इट। और सुबह से मैं और वरुण ना लगे पड़े, मतलब सुबह नीचे का घर और रूम धोया हमने पूरा का पूरा, बाहर का पूरा जो मेन गेट होता है उसको पूरा सजाया, अपने डोर का सजाया, वहां पे करते करते ना हालत टाइट, कमर दुख रही है लिटरली दोनों की, मतलब जैसे मुझे हताश हो चुके हैं यार, अब नहीं होगा, वो वाली हालत हो चुकी है। सो यार आप भी बताओ आपने कितनी सफाई करी है अपने घर में या मम्मी ने करी है, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने इतनी रगड़ के सफाई करी है, अदरवाइज तो मम्मी सारा पूरे चीजें देखती है। हैप्पी दिवाली, और मैं ट्राई करूंगी मैं कल का अपना आउटफिट भी अगर मेरा फिटिंग हो जाता है टेलर से मैं करवा लेती हूँ तो मैं करवा लूँ। तो या बाय।